बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रुकू सदकल्लाहु मौलाना अज़ीम। जमात उलमाए इस्लाम सुबह बलूचिस्तान का आज अहम इजलास हुआ। इजलास का जो एजेंडा था ज़िला ज़ियारत में मिंगिन डैम के हवाले से जो दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया, जिसमें हमारे लेविस फोर्स के 3 नौजवान शहीद हुए, जमात उलमाए इस्लाम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। ज़िला ज़ियारत में एक वाक़या नहीं है, ज़िला ज़ियारत में एक वाक़या कुछ दिन पहले एक नौजवान दौलाई चमजन में जो कहीं पे जा रहे थे, बाकायदा लेविस फोर्स का उन पे हमला हुआ, उनको शहीद किया। इससे पहले ज़िला ज़ियारत में 2 अक़वाम को आपस में लड़ाया गया, एक ऐसा माहौल बनाया गया कि वहाँ पे बदअमनी फैलाया जाए। जमात उलमाए इस्लाम बाकायदा ऐसे हरकत पे नज़र रखते हैं। ज़िला ज़ियारत की आवाम इस तशवीश में है कि यहाँ पे जो हमारे इफ़सी है, इंतज़ामिया है, क्या ये ज़िला ज़ियारत में अमन के लिए आया है या बदअमनी के लिए। जो बुनियादी वाक़या पेश हुआ है, इस वाक़े को हम इस शक से देखते हैं, शक की निगाह से देखते हैं कि वहाँ पे बाकायदा एफसी का चेक पोस्ट भी वजूद रखते हैं और वहाँ पे धमाका रिमोट कंट्रोल से हुआ है, और ये दहशतगर्द किस रास्ते से निकला कि हमारे रियासत की जो इंतज़ामिया है, जो फोर्स है, वो अगर ज़िला ज़ियारत को अमन नहीं दे सकता है, फिर पूरी बलूचिस्तान को कैसे अमन देंगे। ये यकीनन सूबाई हुकूमत का बाकायदा नाकामी का सबूत है कि वो आवाम के अमन में नाकाम रहे, आवाम को अमन नहीं दे सकते हैं। ये फेडरल गवर्नमेंट का नाकामी का सबूत है, बिलखसूस इस हालत में एक तरफ अफगानिस्तान का जो सूरत हाल है, ये पूरी खिते के लिए एक चैलेंज है। और अगर हमारे इदारे आवाम को अमन में इस तरह नाकाम रहे, जाहिर बात है फिर वो क़ुव्वतें जो पाकिस्तान में अमन नहीं चाहते हैं, जाहिर बात है वो फिर हरकत पे उतरेंगे, आवाम को अपने हाथ में ले लेते हैं, फिर आवाम को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए जमात उलमाए इस्लाम जो है वो ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान में बाकायदा अमन हो, आवाम को अमन दिया जाए, और जो दहशतगर्द ये वारदात करते हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, आवाम को बाकायदा दिखाया जाए कि ये क़ुव्वतें इस अमल में मुलव्वस है, चाहे उनका ताल्लुक बाहर से हो, चाहे उनका ताल्लुक मुल्क के अंदर से हो, अंदरूनी क़ुव्वतें हो या बाहर की क़ुव्वतें हो, ये रियासत का ज़िम्मेदारी बनता है, ये उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो बाकायदा आवाम को दिखाया जाए कि कौन कौन सी क़ुव्वतें यहाँ पे हैं
कि इस सूबे में बदअमनी के लिए सरगर्म है और हमारे इंतज़ामिया, हमारे फोर्स, चाहे वो एफ सी के नाम से हो, चाहे लेवीज़ के नाम से हो, चाहे पुलिस के नाम से हो, वो कि आवाम को अमन दिलाने में नाकाम है। ये यकीनन काबिल मज़म्मत है। जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला ज़ारत में जो वाक़ हुआ है उनके साथ शाना बशाना है। इनको न हम कौमियत के नाम देते हैं, न कोई सियासी नाम देते हैं। ये बदअमनी जो है ये सिर्फ एक कौम के हद तक नहीं है, ये पूरी बलूचिस्तान में हो, बलूचिस्तान में जो लोग भी रहते हैं वो बदअमनी में है। उससे चंद दिन पहले अबीदुल्ला कासी का वाक़ हुआ, आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है कितना जुल्म हुआ, किसने किया, कौन करवा रहे हैं, ये हुकूमत का ज़िम्मेदारी है। और ज़िला ज़ियारत वालों ने जो डिमांड रखी है इस धरने में, उनकी चार नुकात है। सबसे पहले नुक्ता ये है कि इफ़सी जो ज़ियारत में तैनात है, हर नए में तैनात है, वो पूरी तौर ज़िला ज़ियारत से चले जाए। वो आवाम को अमन नहीं दे सकते हैं, वहाँ के अपने फोर्स, चाहे पुलिस हो चाहे लीवीज हो, उनको बाकायदा, उनका बाकायदा मदद ताउन, उनको बाकायदा असला, उनको बाकायदा वसाइल दिया जाए, ताकि वहाँ की फोर्स जो है वो अपने आवाम को अमन दे। दूसरा उनका मतालबा ये है कि वहाँ पे जो डीसी है या इंतज़ामिया है वो पूरी तौर मुअत्तल। ये किस तरह डीसी है, किस तरह इंतज़ामिया है, वो अपने फोर्स को अमन नहीं दे सकते हैं, फिर आवाम को क्या दिलाएंगे? ये कि ना सवाल निशान है। चाहे डीसी हो चाहे ईसी हो, इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। जब आप एक गाड़ी को एक तीन चार फोर्स को कहीं पे भिजवा देते हैं, उनके पास असला नहीं है, अगर है महदूद पैमाने तक उनको बाकायदा असला दिया है, फिर वो आवाम के पास जाते हैं, फिर आवाम से असला ले लेते हैं कि मेरे मदद कर लें। ये डीसी के लिए इसी के लिए सवाल निशान है कि वो इतना नाकाम क्यों है कि अपने लेवीज़ को, अपने फोर्स को बाकायदा मसला नहीं कर सकते। तीसरा उनका मतालबा ये है बाकायदा इस वाक़े पे जुडिशली कमीशन कायम किया जाए, इनका बाकायदा इंक्वायरी किया जाए, इसको अदालत में लाया जाए कि इस वाक़े में कौन मुलव्वस है, कौन सा क़ुव्वत इसमें बाकायदा सरगर्म अमल है, ताकि केस ओपन हो जाए, फिर आवाम को पता चलता है कि इसमें कौन मुलव्वस है। तीसरा ये, चौथा ये है कि वहाँ के जो शुहदा है ये तो है बाकायदा सरकारी मुलाज़मीन, इनका माली मदद और ताउन इस तरीके से किया जाए ताकि अंदा के लिए जो भी फोर्स आगे बढ़ते हैं उनका कम से कम तसली तो हो। ये मामूली वाक़या नहीं है। ये चार मतालिबात है। हम जमीयत उलमा इस्लाम बाकायदा ज़िला ज़ियारत की जो आवाम को जो मतालिबात रखी है, हम बाकायदा उनका हिमायत करते हैं, उनके साथ है। वमा अलैना इल्ला अल-बलाग़ुल मुबीन। मलिक साहब तो मुकव्वर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना साहब ने सारी बातें कर दी। असल में ज़ियारत के आवाम के साथ हमारी जो हमारा ताल्लुक़ है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। जमीयत में अब भी, ज़ियारत में अब भी अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम की वाज़ेह अक्सरियत है। और जब से यहाँ बलूचिस्तान में इलेक्शन शुरू हुए हैं, ज़ियारत जो है वो जमीयत का गढ़ रहा है। ये इस दफ़ा जैसे पूरे मुल्क में सिलेक्टेड लोग आए हैं, यहाँ भी हमें अपने हक से महरूम करने के लिए एक सिलेक्शन हुई है। और अब सिलेक्शन की वजह से ज़ियारत के लोगों की ये हालत है जो मौलाना साहब ने आपके सामने बयान की। हम ज़ियारत के लोगों के साथ हैं और ख़ास कर वो जो ख़ानदान हैं, वो तमाम ख़ानदान जिनके लख्त जिगर शहीद हुए हैं उनके साथ हैं।
जब तक उनका एहतजाज है हम उसमें बराबर के शरीक हैं। जो उस ख़ानदान के मुतालबात हैं उसमें इस ख़ानदान को ज़ाहिर हर आदमी ये देखे कि अगर इसके घर में होता तो क्या सूरत हाल होती, तो उस सूरत को मद्देनज़र रखते हुए हम इस ख़ानदान के साथ हैं। ज़ियारत के आवाम जो अपने तहफ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं हम उनके तहफ़ुज़ात में भी उनके साथ हैं। ये उनका मुतालबा है कि जी हमें ये ख़दशा है कि ज़ियारत से हमें बेदखल करके ये यहाँ पे कब्ज़ा हो रहा है, तो हम ये कहते हैं कि अगर ज़ियारत के लोग ये महसूस करते हैं इनके तहफ़ुज़ात हैं, ये तहफ़ुज़ात दूर किए जाएं और इनको तसल्ली दी जाए कि उनके साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी। इसी तरह अरनाई के लोगों की जो ख़दशात हैं उसमें भी हम उनके साथ हैं, जो भी उनके साथ ज़्यादती हो रही है हम उनकी आवाज़ बनकर सारे बलूचिस्तान में इनकी आवाज़ लेकर जाएंगे। और आइंदा भी इसको ये न तो ये सियासी मसला है न हम इसको सियासत के बैंड चढ़ाने की बात करते हैं न हम इसको सियासत का एक ज़रिया बनाते हैं। ज़ियारत के एक ज़िले के आवाम के मुतालबात हैं, ज़िले के आवाम के मुतालबात के साथ हम बिल्कुल उनके साथ हैं। जो जब तक उनकी तसल्ली नहीं होती, जब तक उनके तहफ़ुज़ात दूर नहीं होते हम ज़ियारत के लोगों के साथ। आज अभी ये जो आज कितने दिन हुए, आज चौथा दिन है इन शहीदों के, होना तो ये चाहिए था कि वज़ीर आला और तमाम सरकार वहाँ होती, उस मगमूम ख़ानदान के साथ, उस गमज़दा ख़ानदान के साथ उनके सर पे हाथ रखती, उनको उनकी के साथ इज़हार हमदर्दी करती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंतहाई अफसोस की बात है कि इस हुकूमत का एक फ़र्द भी आज तक उनके पास नहीं गया है और इस जो गमज़दा ख़ानदान है उनका कोई पुरसान हाल नहीं हुआ है। जमीयत उलमा इस्लाम ये कोशिश करेगी इंशाल्लाह कि आल पार्टीज़ की जो का इजलास बुलाया जाएगा और इसमें तमाम मामलात को संजीदा तरीके से उनको लिया जाएगा और उनको तय किया जाएगा। और इसी तरह जो बलूचिस्तान के हालात हैं उस सिलसिले में हम पीडीएम के सामने भी ये सारे मामलात रखेंगे ताकि एक बाज़ाब्ता और उसूली तौर पे एक फ़ैसला हो जाए, चाहे पीडीएम की सतह पे होता है या बलूचिस्तान में आल पार्टीज़ की सतह पे एक फ़ैसला होता है, फिर उस फैसले को लेकर तमाम बलूचिस्तान में जहाँ ज़्यादतियाँ हुई हैं उनका मुदावा हो सके। ये भी एक सियासी जमात हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। हमारे अपने जो भी फैसले हैं वो हमारे फैसले हैं, हम फैसले अपने तौर पे ख़ुद करते हैं। आज हमने ये फ़ैसला किया है कि ज़ियारत के आवाम के मुतालबात के साथ हम हैं, फिर उसमें उनके मुतालबात हैं, वहाँ भी हमारे साथी उनके साथ बैठे हुए हैं, आज भी बैठे हुए हैं, कल जब मांगी में वो था धरना था वहाँ भी हमारे साथी थे, तो ऐसी बात तो कोई नहीं है। हम आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम इसलिए कर रहे हैं कि हम ये सारी दुनिया को बताते हैं, ज़ियारत के आवाम को बताते हैं कि हम ज़ियारत के आवाम के साथ उनके दुख दर्द में साथ हैं। देखें अभी तो ये आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि कितनी दर्द भरी कहानी है कि लोग अपने लख्त जिगर को सरेआम रख के वावेला कर रहे हैं। ये तो हुकूमत का फ़र्ज़ है कि कल चले जाते, परसों चले जाते और उनके मुतालबात मान लेते, उनके मुतालबात सुन लेते। अब अगर यहाँ इतनी हटदर्मी है, इतनी बेहिसी है, तो इसकी तो जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। कमिश्नर से तो ये ख़ुद आपके सामने इन्होंने नुकात में रखा है कि अब डिप्टी कमिश्नर हुकूमत का नुमाइंदा तो नहीं होता, इतने बड़े वाक़े में तो वज़ीर आला का उधर होना ज़रूरी था, सीनियर मिनिस्टर्स का उधर होना ज़रूरी था। नूर मोहम्मद साहब अगर गए हैं
तो इस हवाले से नहीं गए कि वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट के एक नुमाइंदे हैं, उनका हलका है, वो अपने हलके में गए, कोई सरकार के वफ्द की तौर पे नहीं गए। डिप्टी कमिश्नर तो पे तो खुद इल्ज़ाम इन्होंने लगाए हुए हैं, हुकूमत का कोई फर्द नहीं किया जी। हम इसीलिए तो कहते हैं कि अगर उनके तहफ़ुज़ात हैं तो सरकार आकर उनके साथ बैठे, हम भी साथ जाएंगे। उन अगर सरकार की बात वो सुन लेते हैं, अगर उनको तहफ़ुज़ात वाक़ई थे, तो हम सरकार को भी ये कहते हैं कि इनके तहफ़ुज़ात दूर करें, इनके खदशात दूर करें। अगर अपने इलाके और अपनी ज़मीनों से बेदखल करने का एक मंसूबा है तो उसको ख़त्म किया जाए, ये तो एक उसूली बात है, उसमें कोई तो ये मुतालबा है कि जो ये वीडियो वायरल हुई है, ये सरकार की ज़िम्मेदारी है कि फौरी तौर पे इसकी इंक्वायरी की जाए, कि क्योंकि उस वक्त तो उबैदुल्ला मरहूम अल्लाह उन्हें गरीक़े रहमत करे, वो अपने दिल से तो नहीं बोल रहे थे, ना अपने जहन और अपने दिमाग से बोल रहे थे, एक सोच की बात है, उनको जो कहा जा रहा था वो वही बोल रहे थे। तो इसलिए अगर हुकूमत इंक्वायरी करती है और वो असल सूरत हाल को दुनिया के सामने रखे कि उबैदुल्ला शहीद का जो कि वीडियो की असल सूरत हाल क्या है।